इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आईपी वर्जन 4 पे सीखे थे और उसको हमने किस पे अप्लाई किया अभी आईपी वर्जन 6 पे। ठीक है, सबने लैब कर ली कंप्लीट? रह गई किसी की? हो गई समझ आ गया? ठीक है। अच्छा आप लोग, अब हम लोग कहां चल रहे हैं? स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Cisco offers two brands of network switches, ठीक है? Catalyst एक कंपनी थी जो स्विच बनाती थी। Cisco जो कंपनी है आपको पता है ना, इसने इनिशियली क्या स्टार्ट किया था, राउटर बनाना शुरू किया था मार्केट में, ठीक है? तो इसने बाय कर लिया था Catalyst को, ठीक है? तो दो ब्रांड ऑफ है इनके, हैं Catalyst और Nexus, ठीक है?
कैटलिस्ट जो है वो नॉर्मली लार्ज सिलेक्शन ऑफ मॉडल स्पैनिंग एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन कोन लेयर्स यूज हो रहे होते हैं, और नेक्सस जो है आपका वो नॉर्मली हाई एंड स्विचेस हैं जो कि आपके डेटा सेंटर्स में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड मॉडल सिस्को सपोर्ट वन ऑफ थ्री स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कैटलिस्ट ओएस है जो कि अब जो है यूज नहीं होता, ठीक है, उसकी जगह पे कौन सा यूज हो रहा है, आईओएस इंटरफेस दैट इज नियरली आइडेंटिकल टू सिस्को राउटर आईओएस और स्विच दोनों पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। और एक नेक्स ओएस है जो कि आपका कहां यूज हो रहा होता है, नेक्स स्विचेस में यूज होता है। तो हम लोग जो है वो आईओएस ही पढ़ रहे होते हैं। द फॉलोइंग डिटेल दैट सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेरियस सिस्को प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। कैटलिस्ट के मॉडल जो है वो ये मॉडल लिखे हुए स्विचेस के, ठीक है, 1200 है, 2948 है, 4000, 4500 मॉड्यूलर स्विचेस हैं ये, ठीक है, 6500 ये सारे मॉड्यूलर स्विचेस हैं। मॉड्यूलर स्विचेस का पता है आप लोगों को क्या होते हैं, नहीं पता? अच्छा, नॉर्मली स्विचेस के अंदर क्या होता है, स्टैक्स होते हैं मुख्तलिफ, कि एक स्टैक है जिस तरीके से हम लोग मॉड्यूल लगाते हैं ना, हम लोगों ने पैकेट एसर में देखा था कि हमने सीरियल मॉड्यूल ऐड कर लिया, इस तरीके से स्विचेस जो होते हैं वो पूरा स्टैकेबल स्विचेस होते हैं बहुत, उसके अंदर क्या होते हैं मॉड्यूल्स लगे हुए होते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं मॉड्यूल्स ऐड करते चले जाते हैं। वो मतलब 48 पोर्ट्स का आपने एक मॉड्यूल लगा लिया, ठीक है, फिर उसके नीचे एक और मॉड्यूल ऐड करते चले जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं मॉड्यूलर स्विचेस, उसमें आपकी नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और एक नॉर्मल स्विच होता है मैनेजेबल, अच्छा मैनेजेबल अनमैनेजेबल का तो पता होगा ना हम लोगों को, क्या होते हैं अनमैनेजेबल, तो डंप स्विचेस, अनमैनेजेबल डंप स्विचेस नहीं होते, लेकिन उसमें मैनेज नहीं कर सकते आप, उसमें कोई कमांड लाइन इंटरफेस नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। और मैनेजेबल स्विचेस के अंदर क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, आप जो है वो सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं स्विच को, ठीक है। अच्छा, जो नेक्सस पे चल रहे होते हैं वो स्विचेस वो सीरीज डिफरेंट है सिस्को की, ठीक है, 1000 है, 3000 है, ये नेक्सस की अलग सीरीज आती है इनकी। ट्रेडिशनली नेटवर्क कनेक्शन ऑन स्विचेस हैव बीन डिफरेंट एज पोर्ट्स, ठीक है, व्हाइल ऑन राउटर दे आर रेफर्ड टू एज इंटरफेसेस। तो आपका जो नेटवर्क स्विच होता है, स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होती है उसको पोर्ट्स भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इंटरफेसेस। जबकि इंटरफेसेस का जो वर्ड है वो एक्चुअली किसके लिए यूज होता है, राउटर्स के इंटरफेस के लिए यूज होता है, लेकिन जो स्विचेस की पोर्ट्स है उसको भी आप इंटरफेस कह रहे होते हैं, ठीक है। हाउएवर द सिस्को आईओएस स्विच पोर्ट्स आर रेफर्ड टू एज इंटरफेसेस एज वेल। यार ये स्लाइड ले लेना मुझसे अभी, बल्कि एयरपोर्ट शेयर पर डाल दी हूँ फालतू उसको, ठीक है, अपने पास ये मैंने जितनी बनी थी वो बना ली, देखते हैं आज कहां से कंप्लीट होती है। टू एंटर द इंटरफेस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, मोड फॉर द थर्ड इंटरफेस इंटरफेस ऑफ द सेकंड। अच्छा, आप क्या करते हैं इंटरफेस के अंदर जाना होता तो मैंने कमांड बताई थी इंटरफेस, और आगे क्या दे रहे होते हैं आप, इंटरफेस का फास्ट इथरनेट या इथरनेट या गीगा इथरनेट। तो इसमें 0/1 का क्या मतलब होता है, सही है, अब ये 2/3 का क्या मतलब है, कि ये जो 2 है ये जो मॉड्यूलर मैंने बताया ना, कौन सा मॉड्यूल लगा हुआ है, मॉड्यूल 0 तो बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर मॉड्यूल 1 लगा हुआ है, मॉड्यूल 2 लगा हुआ है, तो यहां से आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन से मॉड्यूल की कौन सी पोर्ट पे जाना है आपने, ठीक है। तो अगर 2/3 लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है, मॉड्यूल 2 की पोर्ट नंबर 3, ठीक है, और अगर 0/3 हो तो मॉड्यूल 0 की पोर्ट नंबर 3 होगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी पोर्ट पे जाके कॉन्फिगरेशन करनी है। तो स्लैश से पहले जो लिखा होगा वो क्या है, उसका मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी हो, बल्कि साथ साथ में पैकेट ट्रेसर पे स्विच भी खोल लेता हूं, ठीक है, यहां पे क्या करो, आप एक स्विच ले लो 2960, ठीक है, और यहां से आप क्या करो, इसके साथ 3 पीसीस कनेक्ट कर लो, ठीक है, FS01, FS02 और FS03,
और यहां से आ गया मैं सीएलआई मोड पे। अच्छा पोर्ट का स्टेटस देखना हो तो आपकी कमांड होती है शो आईपी शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। तो आपको क्या दिखाएगा, तमाम जितनी भी पोर्ट्स होंगी उसका इंटरफेस स्टेटस दिखाएगा आपको, सही है, शो इंटरफेस स्टेटस। तो यहां पे F01 पे कौन से स्टेटस कनेक्टेड है, ठीक है। F02 से मैंने पीसी कनेक्ट किया, कनेक्टेड। F03 से किया मैंने कनेक्टेड, ठीक है। और बाकी क्या है, नॉट कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी कमांड बताई कि आपको अगर F01 पे जाना हो स्विच की पोर्ट पे तो आप कमांड क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस F01, ठीक है। तो आप कहां चले जाएंगे, पोर्ट नंबर 1 पे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी कमांड चलानी हो जो कि मैं चाहूं कि एट अ टाइम 3 पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, सही है, शुरू की 3 पोर्ट्स पे मैंने कनेक्ट किया है ना मैंने, तो उसके लिए कमांड कौन सी है, इंटरफेस रेंज F01 डैश थ्री, ठीक है। तो मैंने कमांड दी इंटरफेस रेंज F01 से लेकर 3 तक। अब जो ये इंटरफेस की रेंज में आया है, देखो यहां मोड चेंज हो गया, अब ये नंबर ऑफ पोर्ट्स जो मैंने दी है 1 से 3 तक, इसकी रेंज सारी इसने सेलेक्ट कर ली है। अब यहां पे मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दूंगा तो ये तीनों पोर्ट्स के ऊपर क्या हो रहा होगा, इंप्लीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्स की। राउटर पे भी हो जाएगा, लेकिन राउटर पे इतनी पोर्ट थोड़ी होती है, और राउटर पे आप क्या करोगे, लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे, इस पे तो लेयर 2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी ना सारी। अब मैंने अभी बताया कि आपको के जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है ना स्विच पे राउटर पे, वो आइडेंटिकल एक ही होता है, लेकिन जो स्विचेस लेयर 2 की कमांड होगी वो जाहिर सी बात है राउटर पे नहीं चल रही होगी, सही है। तो ये फर्क होता है, जो कमांड स्विचेस की है वो स्विचेस पे चल रही होंगी। अच्छा ये रेंज की देख लीजिए, हमने अगर सेलेक्ट करना हो रेंज तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज, उसके आगे मैं उसकी नंबर ऑफ स्टार्ट पोर्ट से लेके एंड पोर्ट तक सेलेक्ट करूंगा, तो ये सारी कमांड जो है वो फिर रेंज के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है डिस्क्रिप्शन की, सही है। डिस्क्रिप्शन की कमांड क्या करती है, डिस्क्रिप्शन कैन बी अप्लाइड टू एन इंटरफेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 24 पोर्ट्स हैं, आपने किसी पर्टिकुलर पोर्ट को किसी पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पोर्ट मेरी सर्वर से कनेक्ट है या मेरी पोर्ट किसी और स्विच से कनेक्ट हुई है, मेरी बात समझ लो। अब ये नंबर ऑफ, यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने एक सर्वर से कनेक्ट कर दिया इसको स्विच को, F04 को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, सर्वर से। लेकिन यहां तो फिजिकल टोपोलॉजी पे मुझे दिख रहा है ना मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं यहां स्विच के ऊपर जब जाऊंगा तो यहां पे कहीं बता रहा है कि मैंने इसको सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्टेड है ये बता रहा है सिर्फ, अब है, लेकिन पोर्ट नंबर 4 किससे कनेक्ट है ये नहीं पता, सही है। तो मुझे डॉक्यूमेंट करना हो, अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये पोर्ट नंबर 4 किससे कनेक्ट हुई हुई है, सही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी नहीं बताया था ना, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, इंटरफेस F04, ठीक है। और यहां पे कमांड है डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने कि इसको ये जो मेरी पोर्ट है किससे कनेक्टेड हुई हुई है, एक सर्वर से कनेक्टेड हुई हुई है, सही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, अगर कोई पोर्ट मेरी किसी और स्विच से कनेक्ट हुई भी हो, एक स्विच की पोर्ट, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू द अपलिंक, सही है। तो अपलिंक से कनेक्ट हुई भी है, अनदर स्विच से कनेक्ट हुई भी है, या अगर किसी और डिपार्टमेंट में जा रही है वो केबल और वो कनेक्ट हुई भी है, तो मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन दूंगा उसकी कि ये जो केबल पोर्ट कनेक्टेड है ये एचआर से कनेक्टेड है या नीचे फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर आप शो रनिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, पोर्ट नंबर फोर की डिस्क्रिप्शन आ गई आपके पास, कि ये आपको बता रहा है कि ये पोर्ट नंबर फोर आपने किससे कनेक्ट की, वेब सर्वर से, ठीक है। तो ये फॉर्म किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, क्योंकि आज आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कल तो आपको छोड़ के कहीं और भी जाना होगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत जरूरी होता है कि आपकी पोर्ट कौन सी पोर्ट किससे कनेक्टेड हुई हुई है, ठीक है। उनके ऊपर अगर आईपी इंटरफेसेस पे कोई आईपी दिए हुए तो वो क्या है, पासवर्ड आपके क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन की कमांड समझ आ गई, नहीं आई इसके, नहीं आई, नहीं आई भाई। देखो मैंने ये बताया, सिर्फ हमारे याद रखने के लिए बताया कि पोर्ट नंबर फोर को मैंने कनेक्ट किया था किससे, सर्वर से। अब अगर शो रनिंग पे देखो तो किसी भी पोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा कि कौन सी पोर्ट किससे कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने कमांड दी किस पे, पोर्ट नंबर फोर पे जाके इंटरफेस F04, ठीक है। यहाँ पे मैंने दी कमांड डिस्क्रिप्शन और मैंने बताया अपने याद रखने के लिए कि ये कनेक्टेड किससे है, सर्वर, ठीक है। जैसे ही मैंने कमांड दी तो ये क्या करेगा, इसके आगे डिस्क्रिप्शन डाल देगा, यहाँ पे कमेंट कर देगा। ये सिर्फ इस, ये कमांड की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए कि आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये पर्टिकुलर पोर्ट मेरी किस काम के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो मैंने सर्वर लिखा था तो उसने मैंने दिखा दिया, आगे समझ, किसके नहीं आ रहा था समझ, कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है। तो क्या है, डिस्क्रिप्शन कैन बी अप्लाइड टू इंटरफेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरफेस पर जाएंगे और आगे डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। स्पीशीज आर अलाउड इन डिस्क्रिप्शन, आप दे सकते हैं कुछ भी, एग्जांपल डिस्क्रिप्शन चेक प्रिंटर, एंड अगर प्रिंटर कनेक्ट हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि ये केबल्स मेरी किससे कनेक्ट हुई है, पोर्ट पर्टिकुलर प्रिंटर से कनेक्ट हुई है, ताकि जब आप उसको ट्रबल शूटिंग आसान हो जाएगी ना, जब आप ट्रबल शूट कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पोर्ट मेरी कहाँ जा रही है, वहाँ डिस्क्रिप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पे कनेक्ट हुई है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो फिर आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं क्या, या तो आप फिर लेके फीता लेके पहुंच जाओ कि ये केबल मेरी कहाँ जा रही है, सही है, या तो आपने केबल पर टैगिंग की भी होगी, ऐसा केबल पर भी टैग नहीं किया हुआ आपने तो फिर मुश्किल है, फिर आपको ट्रेस करना पड़ेगा फिजिकली जाके कि जो है ना ये मेरी केबल कहाँ जा रही है, किसी सर्वर पे जा रही है या जो है वो प्रिंटर पे जा रही है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, क्या तरीका है बताओ, दूसरा तरीका भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, दिमाग लड़ाओ पढ़ाओ ध्यान में आ जाएगा। स्विच जो है वो एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है, बताता है ना, तो हम क्या करेंगे उस पोर्ट पे मैक एड्रेस निकालेंगे कि कौन सा कनेक्ट हुआ हुआ है, और फिर हम सारे क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे कि मैक एड्रेस क्या है मेरी डिवाइसेस का, और फिर मैक एड्रेस से पता लगेगा कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है, ऐसा ही है ना, दो तरीके हो गए। वरना अगर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी तो मैं तो बड़ी आसानी से टेस्ट कर लूंगा कि मेरे पास कौन सी कनेक्ट है, ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी ने जाके फिजिकली चेंज कर दी केबल तो वो डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी, फेल हो जाएगी ना। तो अगर आप टोपोलॉजी के अंदर कोई चेंज आया तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन जाके क्या करना पड़ेगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा कि अगर आज वो प्रिंटर से कनेक्ट है और कर वो केबल आपने किसी सर्वर से कनेक्ट कर दी, तो आपको उस पोर्ट पर जाके फिर बताना पड़ेगा कि अब जो है ये कनेक्टेड किससे है, सर्वर से या किसी और स्विच से कनेक्ट है, ठीक है, क्लियर है।
description on access layers which can be difficult to manage as host main change interface often scenarios where editing description to interface is valuable. Okay? If an interface does not have an accurate description, agar nahi di bhi, there are two methods for determining what is connected to it. Okay? Maine bataya, tell the physical cable to host. ठीक है, या तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि आप कैन टेबल जो है मैक एड्रेस टेबल से आइडेंटिफाई करें होस्ट का मैक और इसके ऊपर आपको पता लगेगा कि इस पोर्ट पे कौन सा क्या चीज कनेक्ट हुई हुई है.